और आपको सीधे सुनवाते हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं। ये बात उनका जो कांग्रेस की सफाई हो रही है सभी स्टेटों से उस संदर्भ में ठीक लगता है, बाकी किसी में प्रासंगिक नहीं लगता है। हमारा एजेंडा है कि हम साफ कर दें कांग्रेस को, तो आप डेढ़ प्रदेश में बचिए। नहीं, कांग्रेस पे आरोप, कांग्रेस का आरोप है कि आपने उनके समय की जो पिछड़ा वर्ग आयोग वो पेश ही नहीं, कांग्रेस ने आरोप लगाया है आपने कल्याण के। देखिए अदालत, भाजपा इसके अलावा भी एक आप सब जो विराजमान है, आप सबका फोरम ही लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण फोरम है। आपके आगे रख देते हो, क्यों नहीं रखते, इसमें तो कोई नहीं रोक सकता। मैं यही कह रहा हूं कि उनकी नीयत में खोट है, वो कहते कुछ है और करते कुछ है। आपका फोरम छोटा फोरम नहीं है मित्र। जो थ्रेट आया था उसकी बिंदु से जानकारी ले ली गई है, वो फॉल्स अभी तक प्रथम दृष्टया पाया गया है, लेकिन कहां से था, क्यों था, कैसे था, इस फॉल्स पर भी हम निगाह रखे हुए और उसको हम पकड़ने की कोशिश कर। आप आराम से करो, आप एक मत को सफेद देख रहे हैं। आपकी चिंता स्वाभाविक है, स्पष्ट नहीं है, पर मैं ऐसा मानता हूं कि आवश्यकता आविष्कार की नहीं है और वक्त की रफ्तार बड़े से बड़े घाव को भरती है। व्यवस्था ही मांग रहे हैं, तो आरक्षण तो मिला नहीं ना, आरक्षण तब मिलेगा जब उस मामले का संविधान की नौवीं सूची डालेंगे, संविधान संशोधन के लिए भेजेंगे आप, कैसे करेंगे सरकार? मॉडिफिकेशन के लिए हम गए, मॉडिफिकेशन को गए, हम आप पूरी तरह से आसान में गए। अगर है हमने ट्रिपल टेस्ट अच्छे से करके दोबारा हमने कहा है कि शामिल हुआ है, इसलिए मैं ट्रिपल टी बोला है। मैं सुबह मदरसे वाले विषय राष्ट्रगान को भूल चुका, लेकिन मेरी ये खबर वो अच्छा भी अच्छी बैच है राष्ट्रगान का, जर्जन मत का अच्छी बात है। देखो सबका साथ सबका विकास, ये मूल मंत्र है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और हम उस मूल मंत्र पर कायम है, और ऐसा कोई वर्ग विशेष के साथ अन्याय नहीं दिख रहा है। जितनी जिसकी भागीदारी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।